अच्छी तरह समझ ले ताकि पूरे इज्तिमा की जितनी मजालिस है उन मजालिस का पूरा पूरा नफा हमें मिले। उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि हर मजलिस में शुरू से लेकर आखिर तक रहे, इसलिए कि जिस काम का शुरू भी ना हो और आखिर भी ना हो वो काम नहीं होता है, वो खेल होता है। इसलिए हमारे दीन के हर काम की इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। नमाज शुरू होती है तकबीर तहरीमा से और सलाम पर जाकर खत्म होती है। रोजा शुरू होता है इमसाक से, खाने पीने से रुक गए तो रोजा शुरू हो गया सुबह सादिक से पहले, और इफ्तार पर जाकर खत्म होता है। ये शुरू है, इसका आखिर है। हज शुरू होता है अहराम से और हलफ पर जाकर खत्म होता है, इसकी इब्तिदा है इसकी इंतहा है। तो हमारे दीन के हर काम में इब्तिदा भी है और इंतहा भी है, और जिस काम को कोई काम शुरू ना हो आखिर ना हो वो खेल नहीं होता, वो काम नहीं होता, वो खेल होता है। कि बच्चों का जी चाहा तो खेला, नहीं तो उठकर चले गए। इसके लिए हर मजलिस में शुरू से लेकर आखिर तक रहना और पूरी बात सुनना। जब पूरी बात सुनेंगे समझेंगे तो ही काम पूरा कर सकेंगे, और जब काम पूरा करेंगे तो उसका नफा पूरा मिलेगा। अधूरे काम पर कभी पूरा नफा नहीं मिलता, याद रखें। इसके लिए काम पूरा करने के लिए जरूरी यह है कि पूरा सुना जाए और पूरा समझा जाए। इसके लिए शुरू से लेकर आखिर तक मजलिस में रहना। दूसरी बात मेरे दोस्तों ये है कि हर मजलिस में पूरी बात को जाग कर सुनना, इसलिए कि आंखें बंद हो गई तो कान बंद हो गए। मजलिस में होने के बावजूद भी कोई बात दिल तक नहीं पहुंचेगी, और जो बात दिल तक नहीं पहुंचेगी वो जिंदगी के रुख को सही नहीं करेगी। इसके लिए बात को जाग कर सुनना, और जाकर सुनने का आसान रास्ता यह है कि आंखें बंद नहीं करना, नीचे नहीं देखना, घुटनों में हाथ नहीं डालना, गैर जरूरी टेका नहीं लगाना। ये सारी नींद की नियत होती है तो नींद आ जाती है। इसके लिए आंखें खोल करके बात को सुनना और मेरी तरफ देखते रहना जैसा मैं आपसे देखकर बात कर रहा हूँ। जैसा मैं आपकी तरफ देखकर बात कर रहा हूँ ऐसा ही आप लोग पूरी मजलिस में मेरी तरफ देखते रहना। फिर भी आंखें बंद होने लगे तो अपनी आंखों को मलकर ऐसा अपनी नूर को नींद को दूर करना, ताकि मजलिस का कोई हिस्सा भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। जैसे तस्बीह 100 दानों से होती है, कोई दाने कम हो गए तो तस्बीह अधूरी हो गई। ऐसा ही मजलिस में कुछ बातें सुनी कुछ नहीं सुनी मजलिस अधूरी हो गई। तो काम जो समझाना था समझना था वो पूरा समझ नहीं सके, पूरा समझ नहीं सके तो पूरा कर नहीं सके। और हर मजलिस का अलग रंग है और हर मजलिस में अलग काम की बातें होगी,
और सारा काम मिल करके एक काम बनेगा, तीन दिन की इज्तिमाई मजलिसों से, और काम की एक मजबूत शक्ल बनेगी कि जिसके करने से हमारी जिंदगी भी बन जाएगी और आलम भी बन जाएगा। इतना ताकतवर काम के लिए हम जमा हुए, लेकिन ये उस वक्त में होगा जब सारी मजलिसों का हक अदा किया जाएगा। इसलिए जाकर बात को सुनना, और आप लोगों ने मुझे यहाँ ऊपर बिठाया है मशवरे से, तो मुझे नजर आता है कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। इसलिए सोने वाले बढ़ जाएंगे तो मजलिस खत्म हो जाएगी, इसलिए कि सोने वालों को क्या समझा सकते हैं बताओ, तो भाई सोने वालों से कोई बात कर सकते हैं? बात जो है वो जागने वालों से होती है। तो इसके लिए आप हजरात से ये दरख्वास्त है, जो बातें अभी मैं कर रहा हूँ ये सारी मजलिसों में इसकी रियायत के साथ हमको बैठना है, ताकि हर मजलिस का पूरा पूरा नफा हमको मिले। उसी के साथ मैं बात को ध्यान और तवज्जो से सुनना, कि जिस्म भी यहाँ है, दिल दिमाग भी यहाँ है, ताकि बात कानों के रास्ते से दिल तक पहुंच जाए। जब बात दिल तक पहुंच जाएगी तो एक बात जिंदगी के बदलने के लिए काफी हो जाएगी। किताबों में वाकया आता है कि डकैती की हालत थी, घर में डकैती डालने की तैयारी हो रही थी, और घर में से कुरान के पढ़ने की आवाज आई, और उसमें घर के मालिक ने कुरान में ये आयत पढ़ी, अलम यानी लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वक्त आया नहीं है कि उनके दिल अल्लाह के लिए डर जाए? बस उस आयत का कानों के रास्ते से दिल तक क्या पहुंचना था, ये फौरन जबान से यह आ गया आ गया आ गया, और अपने सारे लूटने खसोटने के सामान को तोड़ फोड़ कर पूरा काफला बैतुल्ला पहुंचा, तौबा किया और बहुत बड़े वली बनकर के इस दुनिया से चिशे गए। फुज़ैल इब्न अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह, ये दीन की बात का असर है, लेकिन शर्त यह है कि वो दिल तक पहुंचना चाहिए। तो जिंदगी को मालूमात से जिंदगी नहीं बदलती, याद रखें। तो इसके लिए दी बात को ध्यान और तवज्जो से सुनना, उसी के साथ में अमल की नीयत से सुनना। किस नीयत से सुनना? अमल की नीयत से। जब अमल की नीयत से आप बात सुनेंगे तो बात महफूज हो जाएगी, जाहिर नहीं होगी, और अमल के वक्त में याद आएगी कि फलानी मजलिस में ये बात ऐसी सुनी थी, इस काम को ऐसे करना है। ये अमल की नीयत का ही असर होता है कि बात जाहिर नहीं होती है, बात महफूज हो जाती है दिल में। मिसाल से ये समझ सकते हैं, एक बावर्ची से घर के मालिक ने यूं कहा कि मेरा खास मेहमान आया है, उसके लिए 10 किस्म के खाने तैयार करने हैं। और मालिक ने 10 किस्म के खाने बताए, ये बनाना ये बनाना ये बनाना ये बनाना ये बनाना। अगर उसके पास बैठे हुए आदमी से ये पूछे कि मैंने क्या बनाने के लिए कहा, तो पास में बैठने वाला आदमी बता सकेगा? नहीं बता सकेगा। लेकिन बावर्ची बता देगा, बावर्ची बता देगा ना कि आपने ये खाना बनाने के लिए कहा है। इसलिए कि बावर्ची ने जो बात सुनी है वो बनाने की नीयत से सुनी है, अमल की नीयत से। उसके बाद बात महफूज हो गई, और पास में बैठने वाले ने ऐसे ही सुनी तो बात अंदर में उठी, बात समझ में आ रही है। तो अमल की नीयत से सुनेंगे तो बात महफूज हो जाएगी। दूसरा नफा ये होगा कि दीन की बात अमल की नीयत से सुनने की वजह से अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे देंगे। अल्लाह के यहाँ से दाद और दहेज का जो निजाम है वो आदमी की नीयत है। इसीलिए हदीस में फरमाया हुआ, इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, फरमाया हर आदमी को वो चीज मिलेगी जिसकी उसने नीयत किया। जब अमल की नीयत से बात सुनेंगे तो अल्लाह अमल की तौफीक देंगे, और हर हाल में अल्लाह अमल करा देंगे, जी चाहे न चाहे, माहौल साजगार हो ना साजगार हो, हालात अच्छे हो बुरे हो, हर हाल में अमल की जो तौफीक मिलेगी वो अमल की नीयत की वजह से मिलेगी। इसलिए पूरी बात हर मजलिस में अमल की नीयत से सुनना, उसी के साथ बात को अच्छी तरह सुनते हुए समझते हुए अच्छी तरह अमल में लाते हुए
पूरे आलम में और सारी इंसानियत तक पहुंचाने की नियत से बात को सुनना। ये बात को क्या करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे और अच्छी तरह उस पर अमल करेंगे, और अमल करते हुए पूरे आलम में और सारी इंसानियत तक पहुंचाने की नियत से सुनेंगे। बात को कहां तक पहुंचाएंगे, पूरे आलम में पहुंचाएंगे और सारी इंसानियत तक पहुंचाएंगे। तो पूरे आलम में और इंसानियत तक बात के पहुंचाने का क्या रास्ता है, हमारी तो छोटी सी जिंदगी है और आलम तो बड़ा है, कई सौ मुल्क है, दुनिया में 800 करोड़ इंसान है, तो एक आदमी 800 करोड़ इंसानों तक कैसे पहुंच सकता है। तो पूरे आलम और सारे इंसानों तक बात पहुंचाने का क्या रास्ता, तो पूरे आलम में और सारी इंसानियत तक बात के पहुंचाने का रास्ता ये है कि जहां तक और जितनों तक जा सकते हैं अपनी जिंदगी में जाना, और जहां तक नहीं जा सके और जितने लोगों तक नहीं पहुंच सके वहां तक बात को पहुंचाने के लिए अपनी छोटी सी जिंदगी में काम करने वाले आदमी और मजमा तैयार करना, कि जो बात को लेकर के दुनिया में जावे ऐसा मजमा बनाना। इसलिए काम है खुद करने का और आदमी बनाने का, कि हमारा अमला बात को लेकर के जाएगा हमारे बनने के बाद हमारी जिंदगी में, और काम का यही सही रुख है अच्छी तरह करते हुए अच्छी तरह करने वाले आदमी बनाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बड़ा काम लेकर दुनिया में भेजा था, आपकी मेहनत का मैदान पूरा आलम था और सारी इंसानियत थी और कयामत तक का जमाना था, इतना बड़ा काम आपके जिम्मे था, और इतने बड़े काम पर काबू पाने के लिए अल्लाह ने आपको सिर्फ 23 साल का जमाना दिया। कितना जमाना, सिर्फ 23 साल का। 23 साल में इतना पूरा इतना बड़ा काम पूरा करके हमारे पास वापस आना है आपको, तो इतने बड़े काम पर काबू पाने के लिए आपने मेहनत का क्या रुख अपनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम मिलने के बाद में अंथक मेहनत शुरू फरमाई और मौत तक आपको जरा भी राहत नहीं थी, हमेशा आप फिक्रमंद थे, हमेशा आप गमगीन थे, हमेशा आप आपको थकाते थे, लेकिन अपने आप को थकाते हुए आपने सिर्फ हिजाज में काम किया, और आपका लंबे में लंबा सफर तबूक तक का है, बाकी दुनिया आपकी मेहनत का मैदान है। तो पूरे आलम पर और कयामत तक के जमाने के लिए काम को महफूज करने के लिए आपने क्या रास्ता अपनाया, खुद करते हुए आपने 1,25,000 सहाबा का मजमा बनाया। कितना मजमा बनाया, 1,25,000 सहाबा का, जो सहाबा आपकी जिंदगी का आईना थे। सहाबा कौन थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आईना सहाबा थे। इसलिए सहाबा का तारुफ दो जुमलों में होता है, सहाबा कौन थे, फरमाया फुरसान बिन नहार व रहबान बिन लैल, बस्साम बिन नहार व बक्काम बिन लैल। फरमाया सहाबा दिन के शहसवार थे और रातों के इबादत गुजार थे, कानू कलील मिन लैल मा यहजऊन व बिल असहारि हुम यस्तगफिरून। फरमाया रात को बहुत कम सोते थे और अखीर रातों में उठकर अल्लाह के सामने करके और मिटने के बाद में इस्तगफार करते थे कि अल्लाह काम का हक तो अदा नहीं हुआ। फरमाया दिन को हशाश पशाश अल्लाह के दिन का काम करने वाले थे और रातों को अल्लाह के सामने बहुत ज्यादा रोने वाले थे। ये दो जुमलों में सहाबा का तारुफ है, जिंदगी आई थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा दिन था और जैसी आपकी रात थी वो 100% सहाबा में मुंतकिल हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन दावत और तालीम के लिए, आप दिन में ज्यादा से ज्यादा जो काम करते थे वो दावत और तालीम का काम करते थे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम और लोगों को दीन सिखाने का काम। इसलिए कि अल्लाह ने आपको दाई और मुअल्लिम बना करके भेजा था। आपकी सिफत बताइए, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा है, और कुरान में फरमाया कि हमने आपको दाई बना करके भेजा है, इसलिए आप लोगों को हमारी पहचान कराओ, और जब लोग आ जाए आपके पास तो आप इनको दीन सिखाओ। तो आपका दीन दावत और तालीम के लिए, और आपकी रात अल्लाह की इबादत के लिए। रात किसके लिए,
अल्लाह की इबादत के लिए। रात आप अल्लाह की इतनी इबादत करते थे और इतनी लंबा कयाम करते थे कि आपके पैरों पर वरम आ जाता था। आप रोजाना 4-5 पारा कुरान पाक की तिलावत नमाज में और तहज्जुद में किया करते थे। ये आपकी रात है और ये आपका दिन है, और यही दोनों चीजें आपके मजमे में मुंतकिल हो गई 100% सहाबा के मजमे में। और आप देखो पूरी दुनिया में काम जो गया है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत, आपकी नियत और आपकी दुआ और आपका मजमा, वो इस बात को लेकर पूरे आलम में गया। इसलिए मेरे दोस्तों मेहनत का ये रुख है, अच्छी तरह मेहनत को समझना है, देखा देखी करने का काम नहीं है, अच्छी तरह समझना है, अच्छी तरह काम को करना है, और अच्छी तरह करने वाले आदमी तैयार करके मरना है। हमारे हाथों एक मजमा बनना चाहिए, हमारी मस्जिद में, हमारे हल्के में, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में और आलम में हमारे हाथों एक समझदार मजमा तैयार होना चाहिए जो अल्लाह के दीन के काम को अच्छी तरह करके अल्लाह की मदद तक पहुंच जाए। इसलिए काम का ये रुख है जिसको इस रुख से अच्छी तरह समझ कर करना है, क्यों वे करेंगे इंशाल्लाह। इन सारी मजलिसों में बैठेंगे शुरू से आखिर तक, बार बार बुलाना तो नहीं पड़ेगा, और जाकर सुनेंगे, क्यों भाई सोएंगे तो नहीं ना, इसलिए कि कोई भी आंख बंद करेगा तो मुझे नजर आएगा यहाँ से। इसलिए आपका हमारा मुआहदा जाकर सुनने का, जब आप थक जाओ तो हमको कह दोगे थक गए हैं तो इंशाल्लाह हम बात खत्म कर देंगे, आप समझे हम आप क्या ख्याल करेंगे। लेकिन बात ये 2-3 दिन हमको ऐसा रहना है कि अल्लाह ताला जिंदगी का मकसद हमको समझा दे, जिंदगी अल्लाह ने क्यों दिया है ये अल्लाह हमको समझा दे, इसके लिए इज्तिमा है। मकसद समझ में आ जाएगा तो जिंदगी का रुख सही हो जाएगा, और जिंदगी का रुख सही हो जाएगा तो आप और हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपका घर इस तरफ है और आपका रुख पीछे की तरफ है, जो भाई जितना दौड़ेंगे मंजिल के करीब होंगे कि दूर होंगे, दूर होंगे। और रुख सही है और मंजिल भी इस तरफ है, मंजिल की तरफ रुख है घर की तरफ, तो आप साइकिल से भी पहुंच जाएंगे और पैदल भी पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर लगेगी लेकिन पहुंच जाएंगे। इसके लिए जिंदगी का रुख सही होना जरूरी है। तो ये 3 दिन हमारा ऐसा अच्छा गुजरे कि हमारी जिंदगी का रुख सही हो जाए। जब जिंदगी का रुख सही हो जाएगा तो हमारा हर कदम हमको अल्लाह की और जन्नत के करीब करेगा। जब जिंदगी का रुख सही हो जाएगा तो हमारा हर कदम हमको अल्लाह के और जन्नत के करीब करेगा। आप इबादत करेंगे तो अल्लाह के करीब होंगे, आप दावत का काम करेंगे तो अल्लाह के करीब होंगे, आप कारोबार मेहनत मजदूरी का काम करेंगे तो अल्लाह के करीब होंगे, और आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे और हंसेंगे बोलेंगे तो आप जन्नत के और अल्लाह के करीब होंगे। इसलिए कि मुसलमान का कोई भी काम दुनिया नहीं है, मुसलमान का कोई काम दुनिया नहीं है, मुसलमान का हर काम दीन है। शर्त यह है कि जिंदगी का रुख सही हो जाना चाहिए, सही रुख के साथ जो काम करेंगे हम अल्लाह के और जन्नत के करीब होंगे, और यही हमारी जिंदगी का मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए और हमारी आखिरत बन जाए। तो इसके लिए मेरे दोस्तों इन चीजों की रियायत के साथ अपने 3 दिन ऐसे अच्छे लगाने हैं कि अल्लाह को हम पसंद आ जाए, 3 दिन अल्लाह को पसंद आ जाए। जब अल्लाह को पसंद आ जाएंगे हम, ये तो कदरदान है हमारी नियामत के कि हमने 3 दिन का मौका दिया तो इस 3 दिन में उन्होंने 3 दिन का हक अदा कर दिया, 1 मिनट भी जाया नहीं किया इन्होंने, काम में अपना वक्त लगाया, थक गए तो सो गए, कोई बात नहीं थक जाओ तो सो जाओ, सोते सोते भी अल्लाह तक पहुंच जाओगे, याद रखो। थकने के बाद और काम के बाद में थकना भी इबादत बन जाएगा आपका। एक आदमी सही ट्रेन में बैठ गया, लंदन जाने वाली ट्रेन में, तो सोते सोते भी पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा कि नहीं, इसलिए कि सही ट्रेन में बैठ गया है, और खाते खाते भी पहुंच जाएगा, तो आपका खाना सोना ये आपको अल्लाह तक और जन्नत तक पहुंचा देगा। शर्त ये है कि ये 3 दिन ऐसे अच्छे लगा देवे कि अल्लाह को हम पसंद आ जाए। जब हम अल्लाह को पसंद आ जाएंगे तो अल्लाह हमारे अपने काम के लिए हमको चुन लेंगे, काम माल की वजह से नहीं होता, याद रखो। जो मालदार होगा वो तबलीग करेगा,
और फुर्सत की वजह से तबलीग नहीं होती कि जिसको कोई काम धंधा ना हो तबलीग करेगा, या बहुत सलाहियत वाला आदमी होगा तो वो तबलीग करेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि काम की बुनियाद अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह जिस बंदे का इंतखाब करेंगे काम के लिए, अल्लाह उससे काम लेंगे। और जब अल्लाह काम के लिए इंतखाब करेंगे तो माल की जरूरत है तो माल अल्लाह अपने खजाने से देंगे, सलाहियत अल्लाह अपने खजाने से देंगे, और वक्त अल्लाह अपने खजाने से देकर अल्लाह ताला कबूलियत के साथ काम लेकर हमारी आखिरत भी बना देंगे और हमारी दुनिया भी बना देंगे। और सिर्फ हमारी नहीं बल्कि लाखों इंसानों की आखिरत के बनने का अल्लाह हम सबको जरिया बनाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह को अपने अल्लाह के दरबार में अपने आप को कबूल कराने के लिए अल्लाह ने ये मौका दिया 3 दिन का, तो 3 दिन ऐसा अच्छा गुजारना कि अल्लाह को हम पसंद आ जाए। वैसे टेम्परेरी जॉब होता है ना, पहले किसी कंपनी में आप एप्लीकेशन करें काम के लिए तो पहले टेम्परेरी जॉब मिलता है कि भाई 1 महीने के लिए आ जाओ, हम तुमको देखेंगे तुम हमारे काम के हो कि नहीं। अब 1 महीना आदमी ने तनदही से काम किया, वक्त की पाबंदी के साथ काम किया, कंपनी के नफे को अपना नफा, उसके नुकसान को अपना नुकसान समझा, तो मालिक की नजर में आ जाता है। किसकी नजर में आ जाता है? मालिक की नजर। उसके बाद जो जॉब है वो परमानेंट हो जाता है कि बंदा हमारे काम का है, हमारे काम के लिए तुम हमारी कंपनी में काम करोगे, तुम्हारे सुख दुख का हम ख्याल रखेंगे। तो इस अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह के लाने से हम आए हैं। कोई आदमी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, अल्लाह की तौफीक से हम आए हैं। तो अब अपना 3 दिन ऐसा अच्छा लगाए कि अल्लाह को हम पसंद आ जावे, ताकि अल्लाह अपने काम के लिए हमको चुन ले। जब काम के लिए चुनेंगे तो अल्लाह कबूलियत के साथ काम लेंगे और मौत तक लेंगे। और यही असल है कि आदमी काम पर जिए और काम पर मरे, क्या करे, काम पर जिए और काम पर मरे। और मैं ला तमुतुन्ना इल्ला वंत मुस्लिमून, और मैं मुसलमान बनकर के मरियो, फरमावरदार बनकर। और यूं फरमाया वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और मैं अल्लाह की इताअत और काम में लगे रहो। कब तक लगे रहो? फरमाया मौत तक लगे रहो। सिर्फ मौत तक का सौदा है, छोटी सी जिंदगी में करना है। अभी जिंदगी है, कल आंख बंद हो जाएगी। चंद सेकंड में आदमी दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल हो जाता है, घंटे और साल नहीं लगते, चंद सेकंड में आखिरत की तरफ चला जाता है। तो अल्लाह ने एक मौका दिया है तो इस मौके से पूरा पूरा फायदा उठाना है, ठीक है इंशाल्लाह। कि भाई सुनेंगे ऐसा, घबराना नहीं कि इतनी लंबी बात तो तमहीद में कर लिया तो लंबा बयान कितना करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जरूरत की बात अल्लाह कहलवा देवे जो हमारे सबकी नफे की हो। तकरीर नहीं है, एक जरूरी बात है जो समझना है। कोई जिंदगी को किसी मकसद पर लाना है जिसके लिए अल्लाह ने पैदा किया है। लंबी तकरीर मकसूद नहीं होती और बात भी मकसूद नहीं होती है, सिर्फ समझना और समझाना है कि अल्लाह हमको समझा दे कि जिंदगी को कहाँ लगाना है, ताकि हमारी आखिरत भी बन जाए और हमारी वजह से लाखों इंसानों की आखिरत बन जाए। इसलिए कि आखिरत हमारी मंजिल है, हर दिन हम आखिरत की तरफ जा रहे हैं, हम आखिरत के मुसाफिर हैं, हम आखिरत के रोज हम आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी दुनिया से दूर हो रहे हैं। तो आखिरत बनानी है हमारी नहीं, हमारे घर वालों की बनानी है और पूरी उम्मत की और इंसानियत की बनानी है। तो इसके लिए एक काम है जिसको अच्छी तरह समझकर करने की कोशिश करना है, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सोएंगे तो नहीं ना भाई, और नींद आएगी तो क्या करोगे? मैंने बताया वो आंखों को मलकर नींद को दूर करके पूरी बात सुने, हर मजलिस की पूरी बात सुने, हर मजलिस की पूरी बात सुने। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानहु ने हर इंसान को जान और माल की नियामत अता फरमाई है। जान अल्लाह ही की दी हुई है और माल अल्लाह ही की तकसीम से मिला हुआ है।
कोई अपनी मर्जी से दुनिया में आ नहीं सकता है, कोई अपनी मर्जी से दुनिया से जा नहीं सकता। हदीस पाक में यूं आता है कि जब बच्चा माँ के रहम में करार पाता है और उस पर 4 महीने गुजर जाते हैं तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजते हैं। तो फरिश्ता आकर क्या काम करता है? फरिश्ता आकर के सबसे पहले उसके अंदर में रूह डाल देता है। 4 महीने तक ये मुर्दा है, गोश्त का लोथड़ा जो है अंदर और जिस्म जो बना है वो मुर्दा है। फरिश्ते ने आमें उसमें रूह डाली, अब हरकत शुरू हुई, उसमें जान आई। तो फरिश्ता काम करता है रूह डालने का अल्लाह की तरफ से। दूसरा काम फरिश्ता यह करता है कि इसकी उम्र लिख देता है, ये कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने सेकंड ये दुनिया में रहेगा। जितनी उम्र अल्लाह ने फरिश्ते से के जरिए से लिखवा दी है, दुनिया के सारे इंसान अपने तमाम हथियारों के साथ उसको उस वक्त से पहले मारना चाहे तो मार नहीं सकते। हर आदमी की एक अजल अल्लाह ने दे की है, उसको वहां तक जाना है। और दुनिया के सारे डॉक्टर मिलकर चंद सेकंड उसके बढ़ाना चाहे तो बढ़ा नहीं सकते। तो फरिश्ता दूसरा ये काम करता है कि उसकी जिंदगी लिख देता है। फरिश्ता तीसरा काम ये करता है कि उसकी रोजी लिख देता है कि दुनिया में कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितना पहनेगा, क्या राहत करेगा, क्या करेगा, वो सारा लिख दिया जाता है। और जितना मुकद्दर का उसने फरिश्ते ने उसके लिए लिख दिया है अल्लाह की तकसीम से, एक दाना खाए बगैर मर नहीं सकता। इसीलिए मलकुल मौत जब आते हैं किसी की रूह लेने के लिए और घर वाले रोते हैं तो मलकुल मौत कहते हैं, भाई क्यों रो रहे तुम? मैं तो इसकी रूह लेने के लिए आया हूं, इसके मुकद्दर का एक दाना इस भरी दुनिया में है नहीं और एक कतरा पानी का इसके मुकद्दर का दुनिया में है नहीं, सब पी चुका, सब खा चुका और जिंदगी के जितने सांस थे ये पूरे कर चुका है, इसको तो जाना है। तुम तो अपनी खैर मनाओ इसलिए कि जब तक कोई भी जिंदा है मुझे यहाँ आना है। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया, लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा, फरमाया हरगिज हरगिज आदमी को मौत नहीं आ सकती है जब तक अपने मुकद्दर का खा पी न ले। तो अल्लाह की तरफ से ये बातें उसके पेट में लिख दिया, जिंद अल्लगी अल्लाह ही की दी हुई है, कोई अपनी मर्जी से आ नहीं सकता, कोई अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। ऐसे ही जिसके पास जितना माल है वो अल्लाह ही की तकसीम से है, माल का ताल्लुक अकल से नहीं है। ये बहुत अकल वाला है इसके लिए मालदार है, और माल का ताल्लुक मेहनत से भी नहीं है, ये बहुत मेहनत कर रहा है इसके लिए मालदार है। बल्कि माल का ताल्लुक भी अल्लाह ही की तकसीम से है और अल्लाह अलीम और हकीम है। अल्लाह की सिफत है अलीम, अल्लाह का इल्म बहुत बड़ा, और अल्लाह हकीम है, हर काम को हिकमत से करते हैं, जो हमल में समझ में आवे या ना आवे अल्लाह हर काम को हिकमत से करते हैं। तो अल्लाह अपनी हिकमत से देखते हैं कि किसी के लिए ज्यादा मुनासिब है तो उसको ज्यादा देते हैं, इसलिए कि उसका दीन माल के साथ अटका हुआ होता है, अगर वो गरीब हो जाए तो काफिर हो जाए। और किसी का माल थोड़े दीन थोड़े के साथ लटका हुआ होता है, अगर मालदार हो जाए तो सरकश बन जाए। तो अल्लाह अपने इल्म और हिकमत से जिसके लिए कम से मुनासिब समझते हैं कम देते हैं, और ज्यादा मुनासिब समझते हैं उसको ज्यादा देते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी जगह एक तरफ जा रहे थे, सफर के दौरान में देखा एक आदमी मिट्टी में अटा हुआ है, उसके बाद पहनने के लिए कपड़े नहीं है, अपने बदन को छुपाने के लिए मिट्टी में फंसा हुआ है। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह से कह दीजिए अल्लाह मेरे लिए खुशहाली दे दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दिया, जब दुआ कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसकी मालदारी के असबाब पैदा कर दिए और बहुत माल मिला उसको। तो माल आया तो अपने साथ सरकशी को लेकर आया,
माल क्या लेकर आया? सरकशी को। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, देखा एक बड़ा भीड़ है लोगों की, और एक आदमी को ऐसा एक दूसरे के ऊपर से देख रहे। पूछा क्या हो रहा है ये? फरमा एक आदमी है जिसने शराब भी पी है, जिना भी किया है, कत्ल भी किया है, उसके बदले में इसको कत्ल किया जा रहा है। मालूम किया कौन आदमी है ये? फरमा ये वो गरीब है कि जो मिट्टी में अटा हुआ था, जब अल्लाह ने इसको माल दिया तो इसमें ये सरकशी पैदा हुई। बात समझ में आ रही भाई? तो इसके लिए अल्लाह ताला आपने इल्म और हिकमत से जितना देते हैं उसमें आदमी के लिए बेहतरी होती है। उसमें लालच भी नहीं करना चाहिए और हसद भी नहीं करना चाहिए किसी को देखकर, इसलिए कि जिसके पास जो कुछ है वो अल्लाह ही के देने से। और ये दोनों चीजें कम ज्यादा अल्लाह ने हर एक को दिया है, जिंदगी भी दिया और माल भी दिया। किसी को 100 पति बनाया, किसी को 1000 पति बनाया, किसी को लखपति बनाया, किसी को करोड़पति बनाया, किसी को 50 साल की जिंदगी दिया, किसी को 60 साल की, किसी को 100 साल की। जिसको जितनी जिंदगी है वो अल्लाह ही के देने से है। और ये दोनों नेमतें अल्लाह ताला ने आखिरत बनाने के लिए दी है। कि भाई जान माल क्यों दिए? आखिरत बनाने के लिए, कि अपनी जान और माल से अपनी आखिरत बना ले भाई। तो आखिरत के बनाने का क्या रास्ता है? तो मैं आखिरत के बनाने का रास्ता ये है कि अपनी जान और माल को ख्वाहिश पर इस्तेमाल करने के बजाय हुक्म पर लगावे। आखिरत बनाने का रास्ता क्या है? कि अपनी जान को हुक्म पर इस्तेमाल करना और अपनी एक एक पाई को हुक्म पर इस्तेमाल करना, ख्वाहिश पर न इस्तेमाल करना। इसलिए कि दुनिया में जीने के दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता ख्वाहिशात वाला रास्ता है, जी चाहे वाला रास्ता, मनमानी वाला रास्ता, और एक रास्ता हुक्मों वाला रास्ता है। कौन सा रास्ता है? हुक्मों वाला रास्ता। तो हुक्मों वाला रास्ता ये नबियों वाला रास्ता है। सारे नबी अपने अपने जमाने में अल्लाह के पास से अहकामात लेकर आते हैं कि क्या करना है क्या छोड़ना है। ये दो लाइन के अहकामात आते हैं, क्या करना है और क्या छोड़ना है, करने के लायक के अहकामात और बचने के लायक के अहकामात लेकर के आते। तो हुक्मों वाला रास्ता ये नबियों वाला रास्ता है, और ख्वाहिशात वाला, मनमानी वाला, जी चाहे वाला रास्ता ये फिरौन का, शद्दाद का, हमान का, उबे बिन खल्फ का, ये इनका रास्ता है। अल्लाह के दुश्मनों का ये रास्ता है, मनमानी वाला रास्ता। इसलिए आखिरत बनने का रास्ता ये है कि अपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक अपने बदन के इस्तेमाल को हुक्मों पर लगाना। तो बदन कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो जैसा अल्लाह का हुक्म है वहां देखेंगे, हुक्म होगा उसी को बोलेंगे, हुक्म होगा उसी को सुनेंगे, हुक्म होगा उसी को पकड़ेंगे, हुक्म होगा वहीं चलेंगे। तो हुक्मों वाला रास्ता ये नबियों वाला रास्ता। ऐसा ही एक एक पाई हुक्म के मुताबिक कमाएंगे, हुक्म के मुताबिक खर्च करेंगे। कमाएंगे भी हुक्म के मुताबिक और खर्च भी करेंगे हुक्म के मुताबिक। ये रास्ता है आखिरत के बनाने का। इसीलिए अल्लाह की तरफ से जो अहकाम आते हैं वो अहकाम जान और माल ही की तरफ आते हैं, और दो लाइन के अहकाम अल्लाह की तरफ से आते हैं। इसलिए कि हर ईमान वाले की दो जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी ये है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, तो हमारे जिम्मे अल्लाह की बंदगी है। अल्लाह के बंदा होने के नाते हमारे जिम्मे क्या है? अल्लाह की इबादत और बंदगी है। कि अल्लाह की बंदगी के साथ, इताअत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, इसलिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं। दूसरी निस्बत हमारे साथ उम्मती होने की है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। तो उम्मती होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि इबादत को दुनिया में जिंदा करने के लिए अपने बस की ताकत लगा देंगे। इबादत को दुनिया में जिंदा हो जाए उसके लिए अपने बस की ताकत लगा देंगे। ये दो जिम्मेदारी है, दावत और इबादत।
अब अल्लाह की तरफ से ये दोनों जिम्मेदारियों के पूरा करने के लिए जो अहकामात आते हैं वो जान और माल ही की तरफ आते हैं। जिम्मेदारी पूरा करने के लिए ही जान माल दी है, इसलिए हुक्म भी इन दोनों चीजों की तरफ आते हैं। अब देखो इबादत के लाइन के अहकामात है, ईमान के साथ चार अरकान इस्लामी जो हर रुकन जरूरी है इंसान के लिए जिसके जिसमें में मुताल्लिक है। एक नमाज है, एक रोजा है, एक जकात और एक हज है, ये अरकान इस्लामी। तो नमाज और रोजे का ताल्लुक जान से है कि भाई नमाज रोजे में क्या लगती है, जान लगती है। और जकात का ताल्लुक माल से है, जकात में क्या लगता है, माल लगता है। और हज का ताल्लुक जान माल दोनों से है, हज में क्या लगता है, जान और माल दोनों लगती है। इसलिए जान माल इबादत पर लगाना ताकि इबादत में हकीकत पैदा हो जाए। क्या पैदा हो जाए, हकीकत। इबादत रस्म नहीं बनना चाहिए और रिवाजी तौर पर इबादत नहीं करना चाहिए बल्कि उसमें हकीकत होनी चाहिए, तो यह इबादत अपनी ताकत को जाहिर कर देगी। इसलिए कि यह अहकाम जो है वो किसी गर्ज के लिए है, यह अहकाम जो है वो किसी मकसद के लिए है कि भाई नमाज किसके लिए है, कि नमाज इसके लिए है कि अपनी 24 घंटे की जिंदगी को हुक्मों वाली बनाने के लिए नमाज है। नमाज किसके लिए है कि 24 घंटे की जिंदगी कैसी पढ़ेंगे गुजारेंगे, जैसे नमाज में पाबंद है बाहर भी पाबंद रहेंगे। इसीलिए नमाज के बारे में फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, फरमाया नमाज की खासियत यह है कि आदमी को बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती रहती है। यह नमाज की खासियत है कि जिंदगियों से बुराइयां निकल जाए, अच्छाइयां जिंदगी में आ जाए। ऐसी अच्छी नमाज पढ़ना, ऐसा अच्छा रोजा रखना कि तकवा पैदा हो जाए। तकवा पैदा होने के माना है हराम से बचने की ताकत पैदा हो जाए। अल्लाह के हुक्म की वजह से हलाल छोड़ दिया, हलाल बीवी है उसे छोड़ दिया, हलाल खाना है इसको छोड़ दिया, घर में हलाल पीना है उसको छोड़ दिया, तो अल्लाह के हुक्म पर हराम को छोड़ दिया, पूरी जिंदगी हराम से बचकर जिंदगी गुजारना। और फरमाया तुम हराम से बच जाओ तुम सबसे बड़े इबादत गुजारो। हराम से बचना ये सबसे बड़ी इबादत गुजारी है, इसलिए कि 24 घंटे आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता, तस्वीर नहीं पढ़ सकता, तिलावत नहीं कर सकता, लेकिन हराम से बचकर 24 घंटे इबादत गुजार रह सकता है। घर में है हराम से बचा हुआ है तो घर की जिंदगी इबादत वाली है, कारोबार में है हराम से बचा हुआ है तो कारोबार वाली जिंदगी ये इबादत वाली जिंदगी, रास्ता चल रहा है हराम से बच रहा है तो इबादत गुजारे। इसने फरमाया हराम से बच जाओ तुम सबसे बड़े इबादत गुजारो। तो हराम से बचने की ताकत पैदा करने के लिए रमजान के रोजे हैं, ऐसा ही जकात है वो बुखल को खत्म करने के लिए है। जकात किसके लिए है कि अंदर का बुखल खत्म हो जाए। बुखल जो है ये जहन्नम का दरख्त है और मोमिन कभी बखील नहीं हो सकता, मोमिन बखील नहीं हो सकता, इसलिए मोमिन को तो अल्लाह पर एतमाद है कि जिस अल्लाह ने आज दिया है कल भी वो देगा, तो मोमिन कभी बखील नहीं हो सकता। तो ज़कात ऐसी खुश दिली के साथ देना कि अंदर का बुखल खत्म हो जाए और आदमी की तबीयत में सखावत पैदा हो जाए, लोगों के ऊपर खर्च करना, लोगों के काम आना, लोगों के साथ भलाई करना, तो ये ताकत पैदा करने के लिए ज़कात है। और हज अपनी जिंदगी में इताअत को जिंदा करने के लिए है कि अल्लाह ने हज फर्ज किया तो हज ऐसा अच्छा करे कि जिंदगी में अल्लाह रसूल की इताअत जिंदा हो जाए। इसीलिए आप देखो हज में ऐसे अहकाम आते कि बज़ाहिर अकल में नहीं आते। हज में कहा भाई आप अरफे के दिन मगरिब की नमाज कहां पढ़ेंगे, कहा मगरिब के वक्त में नहीं पढ़ेंगे, मुजदलफा में जाकर ईशा के वक्त में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, कहा हमारा हुक्म है इसके लिए पढ़ेंगे। किसका हुक्म है, अल्लाह का। तो मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त में नहीं पढ़ेंगे, ईशा के वक्त में पढ़ेंगे और मुजदलफा में जाकर पढ़ेंगे। अरफा में पढ़ेंगे तो वो नमाज कबूल नहीं होगी। तो ये तालीम है कि इताअत पर आओ,
हम जो कहे वो तुम्हें करना है, किसी का नाम दीन है। पत्थरों को कंकरी मारने का हुक्म है 3 दिन तक। क्यों भाई? तो कंकरी मारने को कोई भी अगर आदमी जिसका इस्लाम के साथ ताल्लुक ना हो वो जाकर देखेगा तो क्या समझेगा, ये लोग सब पागल हो गए क्या, एक पत्थर को मार रहे हैं। तो भाई यही कहेंगे ना। लेकिन इतनी बड़ी नेकी अल्लाह ने बनाया कि एक एक पत्थर पर अल्लाह हलाक करने वाले गुनाहों को माफ करेंगे, इसलिए कि तुम हमारे हुक्म को पूरा कर रहे हो। इबादत किसका नाम है? हुक्म के पूरा करने का नाम इबादत है। तो इस पर बड़ी बड़ी नेकी अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, बड़े बड़े गुनाह माफ फरमाएंगे, इसलिए तो हुक्म पूरा कर रहे। मुज़दलिफा में रात गुजारना है, ठंडी में, गर्मी में, सर्दी में, और वहां का ये रात गुजारना हमारे हुक्म से है तो इसमें तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। इसलिए इताअत सिखाने के लिए हज है। और ये जितने इबादत के लाइन के अहकाम है वो जान माल की तरफ आते हैं। क्यों भाई? कुर्बानी का ताल्लुक किससे है? माल से है। सबके फितर का हुक्म किससे है? माल से। तो जान और माल की तरफ अल्लाह की तरफ से इबादत के लाइन के अहकाम आते हैं। दूसरी जिम्मेदारी जो है वो दावत की है, या इबादत को खुद करते हुए इबादत अपने घर से लेकर आलम में जिंदा हो जाए उसके लिए दावत की मेहनत करेंगे। तो दावत की मेहनत कैसे करेंगे? कुरान और हदीस में जहां पर भी मेहनत का हुक्म है वहां पर जान और माल लगाने का हुक्म है। कि वे कैसे काम करोगे? और मैं अपनी जान लगाओगे, अपना माल लगाओगे, कितना लगाओगे? जितना बस में इतना लगाओ, बस जितना बस में है इतना लगा दो, काम हो जाएगा। बस से ज्यादा लगाने का हुक्म ही नहीं है, इसलिए गरीब पर जकात फर्ज नहीं है। और जो हज में नहीं जा सकता उस पर हज फर्ज नहीं है, जितना कर सकता है इतना ही अल्लाह हुक्म देंगे। इसलिए कि अल्लाह बड़े मेहरबान है, तो जो अल्लाह के अहकाम है वो सारे मेहरबानी के अहकाम है। करो या मरो ऐसा नहीं है हमारे दीन में, हमारे दीन में करो या मरो ऐसा नहीं है, बल्कि जितना बस में है ऐसे ही हुक्म देंगे, उससे ज्यादा का हुक्म अल्लाह नहीं देंगे। तो अल्लाह ने जान माल लगाकर दीन का काम करने का हुक्म दिया। एक आदमी जान लगा सकता है, एक चिल्ला दे चिल्ला लगाए, 4 महीना लगा सकता है 4 महीना लगाए, हर साल 4 महीना लगा सकता है हर साल 4 महीना लगाए। एक आदमी साल में एक चिल्ला इतनी मेहनत और कुर्बानी से लगा देता है कि बाद मर्तबा 4 महीने वाले से आगे निकल जाता है। अल्लाह ने उसके ऐसे हालात बनाए हैं कि वो 40 दिन ही लगा सकता है, लेकिन इतनी कुर्बानी के साथ लगाता है कि 4 महीने वाले से आगे निकल जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के वक्त में माल खर्च करने का हुक्म दिया तो लोगों ने 600-600 मन खजूरें दिया तबूक के मौके पर। एक सहाबी माजूर थे, हाथ से भी पैर से, पूरी रात एक यहूदी के बाग में इन्होंने पानी पिलाया खजूर के बाग को, और हर डोल के बदले में एक खजूर मिली इनको, और वो थोड़ी सी खजूर लेकर कुछ घर वालों को दिया, कुछ घर लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इतनी सी हाथ में लेकर। तो मुनाफिकीन कहने करे शुरू करे कि इतना सा क्यों लेकर आया है, अल्लाह को क्या जरूरत है इतने की, खुद ही खा लेता, और कोई ज्यादा खर्च करता तो यूं कहते हैं कि दिखलावे के लिए कर रहा है। मुनाफिकीन की यही बातें आदत होती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यू फरमाया, इसकी ये कदर किया और यू फरमाया कि जो ढेर पड़ा है ना माल का, इसके ऊपर ये चंद खजूरों को डाल दो, अल्लाह इसकी बरकत से सबके माल को कबूल कर देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह के यहाँ पर बस की ताकत लगाने का मुकल्लफ है। एक आदमी 100 रुपया लगा सकता है 100 रुपया लगाओ, 1000 लगा सकता है 1000 लगाए, 1,00,000 लगा सकता है 1,00,000 लगाए, जितना लगा सकता है अपना लगाए। अपनी किससे करना? अपनी जान माल से करें। जब अपनी जान माल से करेंगे तो अल्लाह ताला जान माल लगाने की बरकत से इसको काम का आदमी बना देंगे। तो ये 2 लाइन के अहकाम जान और माल की तरफ आते हैं। और कयामत के मैदान में जो एक दिन 50,000 साल का दिन होगा, उस दिन में
आदमी की जो पूछ है वो जान और माल ही की पूछ है। किसकी पूछ है? जान और माल की पूछ। हदीस पाक में आता है, लन तजूला कदमा अब्दिन हत्ता युसलन खम्स। फरमाया कयामत के मैदान में आदमी के कदम हिसाब की जगह से हिल नहीं सकते हैं जब तक ये पांच बातों का जवाब न दे दे। और यो फरमाया, लैस बैनहू व बैनहू तर्जुमान, अल्लाह के और उसके अल्लाह के बंदे के दरमियान कोई ट्रांसलेटर कोई तर्जुमान नहीं होगा। अल्लाह बराए रास हर आदमी से पूछेंगे कि जिंदगी कहाँ लगा कर आई, हुक्मों पर लगाई या ख्वाहिशात पर लगाई। हर पल का हिसाब है, हर पल का, तो हुक्म पर लगाया या ख्वाहिश पर लगाया, दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। जवानी कहाँ लगाई ये दूसरा सवाल है, दोनों जान से मुतालिक है, जिंदगी और जवानी, कि भाई जान से मुतालिक है ना दोनों, ये दो सवाल जान से मुतालिक है, जिंदगी कहाँ लगाई और जवानी कहाँ लगाई। तीसरा सवाल ये है कि माल कैसे कमाई, हुक्म के मुताबिक कमाए या ख्वाहिश के मुताबिक कमाए। जो आदमी हुक्म के मुताबिक कमाएगा वो हर वक्त में ये देखेगा कि हुक्म नहीं टूटना चाहिए, नफा कम होगा तो चलेगा, ज्यादा होगा तो चलेगा, नफा होगा तो चलेगा, नुकसान होगा तो भी चलेगा, लेकिन हुक्म नहीं टूटना चाहिए। एक आदमी ने हुक्म पूरा करते हुए कमाया, नुकसान हो गया या कम नफा हुआ तो घबराने की बात नहीं है, जाहिर में नुकसान है लेकिन उसकी कोई जरूरत अटकेगी नहीं, हुक्म पूरा करने की बरकत अल्लाह ये देंगे कि इसकी जरूरत पूरी कर देंगे नुकसान के बावजूद भी और कमी के बावजूद भी, और अल्लाह हुक्म पूरा करने की बरकत से उसकी आखिरत भी बना देंगे। हुक्म पूरा करने के दो नफे, एक दुनिया में बरकत है और आखिरत में उसका बदला है। ये सवाल होगा कि माल कैसे कमाएं, हर पाई के बारे में सवाल होगा कि हलाल से कमाएं कि हराम से कमाएं, जायज तरीके पर कमाएं कि नाजायज तरीके पर कमाएं, फिर कमाने के बाद उसको खर्च कहां पर किया, हुक्म पर खर्च किया या ख्वाहिश पर खर्च किया, ये सवाल होगा। मुसलमान कमाने में भी आजाद नहीं है और खर्च करने में भी अब आजाद नहीं है। कमाई के बारे में पूछ होगी और खर्च के बारे में पूछ होगी। आखिरी सवाल ये होगा कि जो कुछ जानते थे उस पर क्या अमल किए। इसलिए कि आज का अलमिया ये है कि हर आदमी को ये धोखा लग गया है कि मैं तो जानता हूं, हर आदमी को धोखा लग गया है कि मैं तो जानता हूं, हालांकि जानने का नाम दीन नहीं है, मानने का नाम दीन है, क्योंकि जानने का नाम दीन है, क्योंकि अहले किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जानते थे कि नहीं जानते थे, जैसा अपने बच्चों को पहचानते हैं इतना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना जानते थे, लेकिन अल्लाह ने उन सबको फासिक कहा है कुरान में, ये सारे फासिक है, जानने के बावजूद भी उन्होंने आपको माना नहीं। तो जानने का नाम दीन नहीं है, मानने का नाम दीन है। तो ये सवाल होगा जो जानते थे उस पर क्या अमल करके आए। अगर आदमी ने जिंदगी सही गुजारी है तो कयामत के दिन सही जवाब दे सकेगा, और जब सही जवाब दे देगा तो उसका अमलनामा दाने हाथ में दिया जाएगा जो जन्नत का टिकट होगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हौजे कौसर पर जाएगा, जहां आप अपने दस्ते मुबारक से उसको जामे कौसर पिलाएंगे, और पीने के बाद ये पुलसरात की तरफ जाएगा, और पुलसरात पर से बिजली की तरह पार होकर के चला जाएगा। वो कहेगा मैं तो सुना था पुलसरात बहुत लंबा है, और चंद सेकंड में पुलसरात पार हो गया, बिजली की तरह बिजली आई और गई, ऐसा पार हो जाएगा जो जहन्नम पर बिछाया जाएगा। 1500 साल का रास्ता है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, उस पर आदमी अमलनामा दाने हाथ में मिलने की बरकत से पुलसरात पर से बिजली की तरह पार हो जाएगा, और फिर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देंगे जहां उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जन्नत में दो बातें अल्लाह ने फरमाई, वलकुम फीहा मा तशतहीय अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदअउन,
और मैं जो दिल में चाहते हैं वो पूरी हो जाएगी, और जो जबान से निकलेगा फौरन पूरा हो जाएगा। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, और जो चाहत होगी वो पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात के पूरी करने की जगह जन्नत बनाई है। इसके लिए पानी के लिए पानी की नहरें, दूध के लिए दूध की नहरें, शहद के लिए शहद की नहरें, और शराब के लिए शराब की नहरें। जहां शराब पीकर के आदमी का दिमाग बहकेगा नहीं, जैसे दुनिया में गली में पड़ा हुआ है और समझता है कि मैं तो मुल्क का सदर हूं, ऐसा नहीं होगा। रहने के लिए मकान, रात को सुना ना, 70,000 का एक ही मोती का महल होगा जो 60 मील लंबा होगा, 60 मील लंबा। क्योंकि दुनिया में 60 मील का कोई टावर है? 60 मील का दुनिया में कोई टावर नहीं। एक ही मोती का बना हुआ महल होगा जो 60 मील लंबा होगा। जवान बनाकर दाखिल करेंगे, कभी बूढ़ा नहीं होगा। तंदुरुस्त बनाकर दाखिल करेंगे, कभी वहां पर बीमार नहीं होगा। खूबसूरत बनाकर दाखिल करेंगे, किसी के दाढ़ी नहीं होगी। ऐसा होगा जुर्दुन मुर्दुन, जैसे अमृत दर का होता है ना, थोड़ी सी दाढ़ी मूछ निकली हुई होती है, सारे जन्नती ऐसे होंगे। और अल्लाह ताला हर एक को हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का हुस्न देंगे। दाऊद अलैहि सलाम जैसी आवाज होगी, हजरत ईसा अलैहि सलाम जैसी जवानी होगी, 33 साल की सबकी उम्र होगी, और सबके अखलाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सलाम जैसे होंगे, और सब का कद आदम अलैहि सलाम जितना होगा, 90 फुट का आदमी होगा जन्नत में। और इसको अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल करेंगे, जहां उसकी कोई भी ख्वाहिश टूटेगी नहीं और कोई उसकी मांग टूटेगी नहीं। हर मांग पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, अल्लाह का दीदार होगा। जैसे चौधरी रात के चांद को देखते हैं, ऐसे अल्लाह को देखेंगे, और कोई चीज बीच में रुकावट नहीं होती। अल्लाह राजी हो जाएंगे, ऐ मेरे बंदो मैं तुमसे राजी हूँ, कभी तुमसे नाराज नहीं होगा। करोड़ हा करोड़, खरब हा खरब साल, कभी आखिरत की जिंदगी खत्म ही नहीं होगी, और मजे हर दिन हर चीज के मजे बढ़ते ही जाएंगे। वहां कमी का कोई निशान नहीं है। आपने एक लुकमा खाया, जिस वाला लुकमा खाएंगे तो उसकी लज्जत पहले से ज्यादा होगी, तीसरे लुकमे की लज्जत दूसरे से ज्यादा होगी, नियामत बढ़ती ही जाएगी। 80,000 गुलाम होंगे खिदमत के लिए, कम से कम दर्जे की जन्नती को 70-72 हूरे अता फरमाएंगे। अगर एक हूर अपना एक पूर्वा जमीन पर जाहिर कर दे तो सूरज और चांद की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। अपने दो पट्टे को लहरा दे तो पूरी दुनिया खुशबू से भर जाए। अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात की पूरी करने के लिए जन्नत बनाई है। उसके लिए 5 सवाल के जवाब की तैयारी दुनिया में करनी है। दुनिया की जिंदगी जैसी गुजरेगी ऐसी मौत होगी, और जैसी मौत होगी ऐसा कयामत के दिन हशर में उठना होगा। अगर आदमी ने जिंदगी सही नहीं गुजारी तो उसका अमलनामा बाएं हाथ में दिया जाएगा, और ये जहन्नम का टिकट होगा, और ये अफसोस करेगा कि काश मैं तो पहले खत्म हो गया होता, काश मुझे हिसाब मिला ही नहीं होता, ऐसे अफसोस करेगा। लेकिन अफसोस करना वहां पर फायदा नहीं देगा। अब हौज़े कौसर दे दिया जाएगा तो धक्का दे दिया जाएगा, दूर हटो दूर हटो, सो कन यहां से दूर हटो। पुलसरात पर से गुजरना चाहेगा तो कटकर जहन्नम में गिर जाएगा। अल्लाह मेरी आपकी और पूरी उम्मत की हिफाजत करना। जहन्नम में बैयक वक्त में आग इसको जला रही होगी, बैयक वक्त में भूख और प्यास इसको सता रही होगी। इतनी भूख होगी कि पूरी दुनिया का खाना खा ले तो उसकी भूख मिटेगी नहीं, इसलिए कि वहां बॉडी 5 फुट की 6 फुट की नहीं होगी। जहन्नमी की बॉडी इतनी बड़ी होगी कि उसकी एक डाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगी, तो 32 दास कितने बड़े होंगे। एक कंधे से दूसरे कंधे की मसाफत महीनों की होगी, और कई हाथ लंबी खाल होगी। और कुरान यूं कहता है, कुल्लमा नज़लत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरा, जब जब खाल जल जाएगी अल्लाह नई खाल लगाएंगे ताकि जहन्नम के अजाब को ये चखे। और एक दिन में सैकड़ों मर्तबा जलेगी, सैकड़ों मर्तबा नई खाल लगेगी, अल्लाह की नाराजगी होगी।
अल्लाह को पुकारेगा, अल्लाह कहेंगे सऊफिया वाला तो कलेमोन, जिल्लत के साथ पड़े रहो, हमसे बात मत करो। सांप और बिच्छू इसको डस रहे होंगे, फरिश्ते अपने गुर्जे से मार रहे होंगे, दुनिया के सारे इंसान मिलकर अगर उस गुर्ज को उठाना चाहे तो उठा नहीं सकते हैं। बैक वक्त में इतने सारे अजाबात होंगे। अल्लाह मेरी आपकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, और जहन्नम से जो बचा लिया गया और जन्नत में जो दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों कयामत के दिन के 5 सवाल है और कब्र के 3 सवाल है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या पहचानते हो, क्या जानते हो, ये बताओ। कब्र के 3 सवाल और कयामत के 5 सवाल की तैयारी दुनिया में करनी है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों असल मसला दुनिया का नहीं है, असल मसला आखिरत का है। असल मसला कहाँ का है? असल मसला आखिरत का है। दुनिया के क्या मसाइल है? हमने तो अपने मुल्कों में देखा है कि बड़े बड़े पाइप पड़े होते हैं और पाइप में लोग अपनी जिंदगियां क्यों गुजार देते हैं, पाइप के नीचे बच्चों की शादियां वहीं हो जाती है, कोई मैयत हो जाए तो वहीं से उनकी लाश उड़ जाती है, और पूरी जिंदगी पाइप में गुजार दिया, एक झोपड़े में गुजार दिया। मसला दुनिया का नहीं है, मसला आखिरत का है, जहां करोड़ हा करोड़ खरब हा खरब साल जहां जिंदगी का कोई खात्मा नहीं है, वहां या तो जन्नत है या तो जहन्नम है, तीसरा कोई ठिकाना नहीं, या जन्नत है या जहन्नम है। इसलिए उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने ये दुनिया की जिंदगी दी। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारी ये दोनों लाइनें ठीक हो जाए और पूरी उम्मत की ठीक हो जाए, जान और माल ये दोनों लाइनें, इसके लिए अल्लाह ताला ने तबलीग का काम दिया है। ये दावत और तबलीग का काम किसके लिए है? जबकि दो लाइन ठीक करने के लिए काम है कि हर मुसलमान की जान का इस्तेमाल सही हो जाए और माल का कमाना और खर्च सही हो जाए, वहां तक सही पकड़ने के लिए ये तबलीग की मेहनत है। सिर्फ फिल्में आने जाने का नाम नहीं है तबलीग, बल्कि ये दो लाइन ठीक करने के लिए दावत और तबलीग की मेहनत है। इसीलिए इस मेहनत में आने जाने के साथ और मकामी और बैरूनी नकलो हरकत के साथ जो बुनियाद है वो 6 नंबर है। बुनियाद क्या है? 6 नंबर है। मेहनत किया है, क्यों है? तो मेहनत मेहनत के लिए नहीं होती, मेहनत किसी मकसद के लिए होती है, क्योंकि तिजारत तिजारत के लिए होती है, कमाने के लिए होती है, क्यों भाई? कमाने के लिए होती है। मुलाजिमत क्यों होती है? मुलाजिमत तनख्वाह के लिए होती है। पढ़ाई क्यों होती है? डिग्री के लिए होती है। तो दुनिया में कोई भी मेहनत बराए मेहनत नहीं होती, मकसद के लिए होती है। ऐसा ही तबलीग की ये सारी मेहनत जो है ये दो लाइन ठीक करने के लिए है कि हमारा सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक बदन का इस्तेमाल सही हो जाए, और एक पाई से लेकर लाखों अरबों खरबों तक कमाने और खर्च करने का निजाम सही हो जाए, उसके लिए तबलीग की मेहनत। इसलिए इस मेहनत में 6 नंबर है। ये मेहनत क्यों करना है? क्या इसलिए करना है कि ये 6 सिफात हमारी जिंदगी में आ जाए और उम्मत की जिंदगी में आ जाए। इस मेहनत में ये 6 सिफात इस जिंदगियों में आने के लिए मेहनत है, इसलिए कि 6 सिफात जिंदगियों में आएंगे तो ये दो लाइन ठीक हो जाएगी, उसके बगैर कभी ठीक नहीं हो सकती, याद रखो। इसके लिए 6 नंबरों में 2 बुनियादी सिफतें हैं, एक कलमा है और एक नमाज है। क्या है? कलमा है और एक नमाज है। इल्म और जिक्र कलमा नमाज को मुकम्मल करने के लिए है, इकरामे मुस्लिम उसकी हिफाजत के लिए है, इखलास इसको कबूल कराने के लिए है, और दावत और तबलीग की मेहनत अपनी जिंदगी में कलमा नमाज को जिंदा करने के लिए और उम्मत में फैलाने के लिए। इसलिए कि कलमा नमाज बने बगैर जान माल का इस्तेमाल सही नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही मेरी? दुनिया में जितनी मालियात की लाइन की खराबियां है, 1 रुपये से लेकर लाखों अरबों खरबों तक, उसकी बुनियाद यकीन की खराबी है। क्या है खराबी? यकीन की खराबी। जब आदमी का यकीन ही बनता है कि जिंदगी माल से बनी, उसीलिए चोरी करता है, उसीलिए डकैती डालता है, उसीलिए गबन करता है 1 से लेकर अरबों खरबों तक, और बड़े लोग बड़ा गबन करते हैं। उसकी बुनियाद क्या है? यकीन ये बना है कि जिंदगी माल से बनेगी।
और जिंदगी मुल्क से बनेगी। इसके लिए सारी बुराइयां दुनिया में है, मिलावट इसीलिए है, नापतोड़ में कमी इसीलिए है, जानो माल ये माल का गबन इसके लिए है, इसलिए कि यकीन ही बना है कि जिंदगी माल से बनेगी। इसलिए सबसे पहली मेहनत हर नबी की यह है कि यकीन ये बने कि जिंदगी मुल्क और माल से नहीं बनेगी, अल्लाह के बनाने से बनेगी। जिंदगी किसके बनाने से बनेगी? क्या भाई जाग रहे सो रहे? मैं तो देख रहा हूँ कुछ लोग सो रहे, नीचे देख रहे। नीचे देखोगे तो मैं समझ गया नींद आ गई। नीचे मत देखो, मेरी तरफ देखो। फजर के वक्त में दो काम करना पड़ता है, एक बयान भी करना पड़ता है और जगाते रहना भी पड़ता है। क्योंकि भाई जगाते रहना तो नहीं पड़ेगा ना आप लोगों को, इसके लिए आप लोग जागो। बस अभी थोड़ा ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, जल्दी खत्म करूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों को आराम का मौका भी मिलेगा, नाश्ते का मौका भी मिलेगा, लेकिन बात पूरी सुनो, बहुत जरूरी बात हर मजलिस में होगी इंशाल्लाह। तो सारी बातों को समझेंगे तो आखिर में किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि अब जिंदगी कैसी गुजारनी है। तो नतीजे पर पहुंचने के लिए जाग कर सुनना जरूरी है, इसके लिए आप हजरात जागे। इसलिए कि मुझे नजर आता है कुछ लोग जो है वो सो रहे हैं बैठ कर, दोबारा सोवे नहीं, अल्लाह जजाए खैर दे। मेरी निगाह में एक एक आदमी कीमती है, मैं एक एक आदमी को मजमा समझता हूँ। ये पूरा मजमा एक आदमी एक मजमा है, एक आदमी ने सही फिक्र ले लिया तो सैकड़ों को बना देगा, तो इतना मजमा सही फिक्र ले लिया तो लाखों को बना देगा, करोड़ों को बना देगा। तो आप लोग बहुत कीमती हो, तो अपनी अपनी कीमत को हमको पहचान कर अपने काम में लगना है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली मेहनत जो है वो यकीन बनाने की है कि हमारा यकीन ये बने कि हमारी जिंदगी के बनने बिगड़ने का ताल्लुक मुल्क माल से नहीं है। अगर मुल्क से जिंदगी बनती है तो फिरौन और रबलूत की बन जाती है, अगर माल से जिंदगी बनती है तो शद्दाद की बन जाती है, कारून की बन जाती है, चीजों से बनती है तो शद्दाद की बन जाती है, ओहदे से बनती है तो हमान की बन जाती है। मुल्क माल से जिंदगी नहीं बनती है, अल्लाह के बनाने से जिंदगी बनती है, अल्लाह के उजाड़ने से उजड़ती है। ये बात समझनी है और यकीन अपने दिलों में पैदा करना है। जिंदगी के बनने की बुनियाद सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ही बनाते हैं, अल्लाह ही उजाड़ते हैं। आज तक जितनों की बनी है अल्लाह के बनाने से बनी है, और जितनों की उजड़ी है अल्लाह के उजाड़ने से उजड़ी है। और अल्लाह की यह बनाने और बिगाड़ने का निजाम अंधाधुन नहीं है, इसकी बना दिया इसकी उजाड़ दिया, बल्कि अल्लाह की जिंदगी के बनाने का एक ही ज़ाब्ता है और वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह किसकी जिंदगी बना देंगे? फरमाया जो मोहम्मदी बनकर जिएगा, मोहम्मदी बनकर के मरेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को बना देंगे। झोपड़ा है तो झोपड़े में बना देंगे और महल है तो महल में बना देंगे। जिंदगी बनाने का एक ही ज़ाब्ता वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपको पैदा नहीं करना होता तो अल्लाह कायनात को नहीं बनाते। अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब आपकी जात है। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी हर अदा अल्लाह को पसंद है और जो आपकी चाल चलेगा वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे नबी जी, हमारा शाही फरमान इंसानों को सुना दो कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो उसकी दलील में मेरे पीछे पीछे चलो। किसके पीछे चलना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलना, अपना हर काम नबी के नहज पर करना। जिस अमल पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होगी सुन्नत की, वो अमल अल्लाह तक पहुंचेगा। पोस्ट कार्ड होता है ना आपके यहाँ, हमारा पहले इनलाइन टेंडर होता था और एक पोस्ट कार्ड होता था, हुकूमत का थप्पा मारा हुआ, उस पर एड्रेस लिख दो तो जहां भेजोगे चला जाएगा। कि वैसा होता है आपके यहाँ निजाम होता है ना, खत भेजने का? अब तो खत भेजने का ही सिलसिला ही खत्म हो गया, डाक का निजाम ही खत्म हो गया, लेकिन पहले ये होता था। जिस पर हुकूमत की मोहर है वो अपनी जगह पर पहुंच जाए। हर अमल में जिसमें सुन्नत की मोहर होगी वो अल्लाह तक पहुंच जाएगी।
और जिस पर सुन्नत की मोहर नहीं है वो मर्दूद हो जाए। इसलिए जिंदगी के बनने का जाब्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अपनी पैदाइश से लेकर मौत तक और सोने से लेकर उठने तक और अपनी जिंदगी के हर हरकत और सुकून में मोहम्मदी बनकर के जीना और मोहम्मदी बनकर के मरना, ये जिंदगी के बनने का वाहिद रास्ता है। इसके लिए सबसे पहले अपना कलमा बनाने की मेहनत है तबलीग में, तो यकीन बन जाओ। यकीन बन गया तो चरवाहा जंगल में अमानतदार होगा, 25 रात के अंधेरे में अमानतदार होगी, अमीरुल मोमिनीन अमानत में अमानतदार होंगे ईमान की वजह से। ईमान बन जाएगा तो अमानतदारी आ जाएगी और दुनिया में अमन आ जाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला में एक मरतबा रात को बैतुल माल का दिया जला करके कुछ काम कर रहे थे मुसलमानों का, कोई साहबी आए बात करने लगे तो आपने दिया बुझा दिया। कहे दिया हमारे नेकी कामों के लिए नहीं है, क्योंकि कितना तेल जलता थोड़ा सा, आके बात करते चले जाते, मुझे बुझा दिया। कहा कि ये तेल जो है वो हमारे नजी कामों के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के कामों के लिए। इतनी ईमानदारी अमानतदारी कहां से आएगी? ईमान के रास्ते से आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों सबसे पहली बुनियाद तकलीफ में अपने यकीन बनाने की मेहनत है। जिंदगी अल्लाह बनाएंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से बनाएंगे, दो लाइन का यकीन बनना। जिंदगी अल्लाह बनाएंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से बनाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मालियात का बिगाड़ खत्म करने के लिए कलमा है, जब कलमा बन जाएगा तो मालियात के लाइन का बिगाड़ खत्म हो जाएगा, 1 रुपये का गबन भी खत्म हो जाएगा और करोड़ों का गबन भी खत्म हो जाएगा। कलमा बनने की बुनियाद और पूरी जिंदगी ख्वाहिशात से निकलकर हुक्मों पर आ जाए वो नमाज के बनने से होगा। किससे होगा? नमाज बन गई तो जिंदगी बन गई, तो पूरी जिंदगी बनाने के लिए नमाज है। हमारी तबलीग में ये दो नंबर अहम नंबर है, बड़े नंबर है, और बाकी 4 नंबर इसकी तकमील के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसकी कबूलियत के लिए, जिंदगी में लाने के लिए, पूरे आलम में फैलाने के लिए। बात समझ में आ रही? कोई नंबर हल्का नहीं है, हल्का समझने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अच्छी तरह समझ आ जाए हमारी कि कलमा नमाज के जरिए से जिंदगी बनेगी। तो नमाज के जरिए से अपनी 24 घंटे की जिंदगी अच्छी बनाने की मेहनत है। ये नमाज अच्छी बन गई तो 24 घंटे की जिंदगी अच्छी बन जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक नौजवान की आंख लड़ गई एक दोशीजा से, एक लड़की से। बेहतरीन जमाना था, तो लड़की ने लड़के को ये मशवरा दिया कि आगे की बात अपन बाद में करेंगे, पहले तुम 40 दिन अमीरुल मोमिनीन के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ लो। लड़की ने मशवरा दिया लड़के को, क्या करो 40 दिन अमीरुल मोमिनीन के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो। तो उस नौजवान ने 40 दिन तकबीर उला के साथ अमीरुल मोमिनीन के पीछे नमाज पढ़ी। उसका असर ये हुआ कि लड़की की मोहब्बत भी चली गई, ध्यान भी चला गया, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। ये नमाज इतनी बड़ी चीज है अपनी जिंदगियों को बनाने के लिए, तो अपनी नमाज के बनाने की मेहनत हो। इसके साथ इल्म के साथ और जिक्र के साथ, इल्म के बगैर न कलमा बनेगा और न नमाज बनेगी। अल्लाह के ध्यान के बगैर न कलमा बनेगा और न नमाज बनेगी। अखलाक के बगैर न इसकी हिफाजत होगी, इसलिए कि हुकूक जितने हैं अगर अदा नहीं हुए तो ये सारे अमाल जो है वो हुकूक वाले लेकर चले जाएंगे, और इखलास नहीं हुआ तो बड़े से बड़ा अमल अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा। और ये सिफात जिंदगी में जो आएंगे वो दावत की मेहनत की वजह से आएंगे। बात समझ में आ रही? तो अब ये सिफात हमारी जिंदगी में आ जाए उसके लिए रास्ता क्या? उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता अपनी मेहनत को सही करना है। इसको सही करना है मेहनत। अल्लाह ने पूरी दुनिया के निजाम को मेहनत के साथ चलाया है। भाई दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? मेहनत से। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आ रही है, ये इंसानों की मेहनत का समरा है। ये ऐसे बन गई, इंसानों की जानमाल लगी, सलाहियत लगी, इसकी वजह से बिल्डिंगें हैं। तेज रफ्तार सवारी है, हवाई जहाज है, तेज रफ्तार ट्रेनें हैं, ये इंसानों की मेहनत का समरा है। अच्छे अच्छे खानों के नक्शे बने दुनिया में, ये सारी चीजों की तरक्कियां जो है वो मेहनत का नतीजा है।
ऐसा ही अगर अपनी जिंदगी में हम कलमा नमाज बनाना चाहते हैं और कलमा नमाज के रास्ते से पूरे दीन को अपनी हकीकत के साथ अपनी जिंदगी में जिंदा करना चाहते हैं और मेहनत की शक्ल जो अल्लाह की पसंदीदा है वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता है अपनी मेहनत को सही करना। इसको सही करना मेहनत, तो मेहनत का सही रास्ता कौन सा है? कि भाई समझना चाहिए कि सही रास्ता क्या है। मेहनत का सही रास्ता वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल दौरे नबुवत में उम्मत में जिंदा फरमाया, कि जिस मेहनत के रास्ते से सहाबा सहाबा बने और सहाबा में दो बुनियादें जिंदा हुई, एक पूरा दीन अपने हकीकत के साथ जिंदा हो गया, दूसरा 100% ईमान वालों की निगाहों में जान माल अल्लाह के और अल्लाह के दीन के मुकाबले में बेकीमत बन गया। हम अपनी जान माल अल्लाह के अल्लाह के दीन के लिए पूरी लगाने का तकाजा है तो पूरी लगाएंगे, आधी लगाने का तकाजा है तो आधी लगाएंगे, और झाड़ू मार कर लगाने का तकाजा है तो झाड़ू मार कर लगा दे। ये दो चीजें सहाबा में पैदा हुई, वो मेहनत सही करने की वजह से हुई। किसकी वजह से हुई? मेहनत सही करने की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत का क्या सही रुख बनाया? आपने मेहनत का सही रुख ये बनाया कि हर ईमान वाला सबसे पहले अपनी जान माल ईमान के सीखने पर लगाए, ईमान के फैलाने पर लगाए, यानी दावत पर लगाए। सबसे पहले लगाने की जगह दावत है, अपनी जान माल दावत पर लगावे, जितना दावत का तकाजा है इतना लगाना, इतना दावत का तकाजा है। घर कारोबार पर कितना लगाते हैं भाई? जितना कारोबार का तकाजा होता है। आप देखो सारे तकाजे पूरे हो रहे हैं, तबलीग पर नहीं लगाते हैं तो तबलीग के सारे तकाजे अधूरे रह जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत का ये रुख उम्मत में कायम किया कि हर ईमान वाला अपनी जान माल दावत पर इतनी लगाए जितना दावत का तकाजा है। नंबर दो, हर ईमान वाला अपनी जान माल इबादत पर लगाए, इबादत पे हकीकत पैदा हो जाए। इसलिए कि अल्लाह से मदद लेने का रास्ता इबादत का है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से मदद मांगेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सला, ए ईमान वालों अल्लाह से मदद तलब करो सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। तो अपने इबादत पर अपनी जान माल इतनी लगाना कि इबादत में हकीकत पैदा हो जाए। नंबर तीन, अपनी जान माल अखलाक पर लगाना, अल्लाह के मखलूक को राहत पहुंचाने के लिए। अल्लाह ने अपना खलीफा बनाकर हमको दुनिया में भेजा है, तो अल्लाह वाले अखलाक से मुतसिफ होकर दुनिया में जीना। अल्लाह खाते नहीं खिलाते हैं, हम अपनी जरूरत का खाएंगे और लोगों को खिलाएंगे, जरूरत का पहनेंगे लोगों को पहनाएंगे, जरूरत का मकान बनाएंगे दूसरों के मकान बना देंगे, शादियां सादगी के साथ करेंगे औरों के बच्चों की शादियां कराएंगे, घर से लोगों के काम आएंगे और लोगों के जरूरतों में अपनी जान माल को इतना लगाएंगे जितना लगाने का तकाजा है। ये तीसरा मसरफ है। चौथी, लगाने की जगह अपनी और अपने मुतालिकीन की जरूरतें हैं। इसलिए कि इस्लाम में मलंगपना नहीं है, इस्लाम में रहबानियत रही है, मलंगपना नहीं है कि कुछ काम नहीं करना, मस्जिद का कोना पकड़ कर बैठ जाना या बिस्तर उठाकर फिरते रहना, इसकी गुंजाइश नहीं है तबलीग में और दीन में। इस्लाम में मलंगपने की गुंजाइश नहीं है और इस्लाम में नफसानियत भी नहीं है। नफसानियत कहते हैं मादा परस्ती को, कि आदमी की जिंदगी का मकसद पैसा बन जाए बस, कि पैसा आना चाहिए, हलाल से आए हराम से आए झूठ से आए जैसा भी आए पैसा आना चाहिए। इस्लाम में इसकी भी गुंजाइश नहीं। इस्लाम इन दोनों के बीच का सिरात मुस्तकीम है कि हर मुसलमान की घरेलू जिंदगी हो, कारोबारी जिंदगी हो, लेकिन दीनदारी के साथ हो और दीन की मेहनत के साथ हो। घरेलू जिंदगी भी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, बीवी बच्चे हो, हमारी ऐसी जिंदगी है प्यारी, हमारे कमाने कमाने के नक्शे हो, मजदूरी हो, तिजारत हो, मुलाजिमत हो, किसी चीज को छोड़ने का हुक्म नहीं है। ये वक्ती तौर पर छोड़ाया जाता है इस्तेदाद पैदा करने के लिए, वरना इन चीजों में लगते हुए दीन पर चलना है और दीन की मेहनत करना है। हमारा दीन जो है अपने घर कारोबार के साथ दीन और दीन की मेहनत के साथ करने का नाम इस्लाम है। बसुनारी और हर इंसान की पांच जरूरतें हैं, खाना है, कपड़ा है, मकान है, सवारी और शादी है। अपनी भी ये जरूरत है, अपने मुतालिकीन की भी जरूरत है, अपने बच्चों बच्चियों की भी।
दिन जरूरतों के हासिल करने में भी हमको लगना है और इसके पूरा करने में भी लगना है, लेकिन बकद्रे जरूरत लगना है, इसराफ से बचकर लगना है। कितना लगना है? बकद्रे जरूरत, इसराफ से बचकर के लगना है। इसलिए कि इसराफ की मिसाल अल्लाह वाले फरमाते, आग की आग, आग में कितना भी लकड़ी डालो सबको जला देगी, पेटी नहीं भरेगा उसका। फरमा ऐसा ही इसराफ है, जिंदगी में इसराफ आ जाता है, जरूरत से ज्यादा खर्च करने को इसराफ कहते हैं और बगैर जरूरत के खर्च करने को तबजीर कहते हैं। और मुबज़िरीन तो शयातीन के भाई बताया कुरान ने। इसके लिए फरमा इसराफ से बचकर अपनी जरूरत के मुताबिक कमाना भी और खर्च भी करना। तो जरूरत की हद है, इसराफ की कोई हद नहीं। मेहनत का ये रुख आपने पूरी उम्मत में कायम किया, सहाबा की जिंदगी पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही मेहनत का सही रुख मिलेगा कि जान माल कहाँ लगाएंगे, क्या दावत पर लगाएंगे, इबादत पर लगाएंगे, अखलाक पर लगाएंगे, अपनी और अपने मुतालिकीन की जरूरत को हासिल करने में भी लगाएंगे, पूरा करने में भी लगाएंगे, लेकिन बकद्रे जरूरत लगाएंगे, इसराफ से बच करके लगाएंगे। ये मेहनत का रुख आपने कायम फरमाया 23 साल उम्मत में। आप देखो उस मेहनत ने दुनिया में क्या नतीजे पैदा किए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 625 साल का जमाना ही, जिसमें जहालत आखिरी दर्जे की और गुमराही आखिरी दर्जे की, ये सारी जहालत और गुमराही सिर्फ 23 साल मेहनत के नतीजे में खत्म हो गई और एक मजमा भी बन गया और एक माहौल भी बन गया। क्या बन गया? मजमा भी बन गया। साहबा की दावत है, अस्लिमु तस्लिमु, का इस्लाम लाओ सलामती मिलेगी, का कौन सा इस्लाम का हमारे जैसे होता है, ऐसा मजमा बन गया और ऐसा माहौल बन गया पूरे मदीना मुनव्वरा का कि सारे मुसलमानों के दिलों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा थी। तलाश करने से आपको कोई बेनवाजी नहीं मिलेगा, हर आदमी अपने दीन से बाखबर था, अपने दीन पर अमल करने वाला था, हुकूक की अदायगी के साथ जीते थे, या बल्कि एहसान करने वाले थे, इंसार करने वाले थे। कोई तलाश करने से दुनिया का तालीम नहीं मिलेगा, आखिरत की अल्लाह की रजा की तालीम मिलेंगे। और 100% ईमान वाले अपने आप को दीन का जिम्मेदार समझते थे, जिस तरह बाप का जिम्मेदार हो, बीवी का जिम्मेदार हो, इस तरह अल्लाह के दीन का जिम्मेदार भी मैं हूं। दुनिया की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जितनी जान माल लगानी पड़ेगी खुशी खुशी लगाता हूँ, अल्लाह के दीन की जिम्मेदारी की पूरा करने के लिए भी जितनी जान माल लगानी पड़ेगी खुशी खुशी लगाऊंगा और सआदत समझ कर लगाऊंगा। 100% ईमान वाले इन जज्बात के साथ दुनिया में जी रहे। इतना बड़ा काम हो गया सिर्फ 23 साल में, तो नबूवत वाली मेहनत का ये असर है। वहां तक पहुंचने के लिए तबलीगी मेहनत है। ये तबलीगी मेहनत किसके लिए है? वहां तक पहुंचने की। बच्चा पैदा होता है तो दौड़ता नहीं, चलता भी नहीं, बल्कि बैठता भी नहीं। इस्तेदाद जो बैठने की, फिर चलने की, फिर दौड़ने की इस्तेदाद आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है। तो हमारे अंदर में ये इस्तेदाद पैदा करने के लिए तबलीग की मेहनत है कि एक मरतबा अच्छा 4 महीना लगाकर अपने दिल का रुख सही कर दिया जाए, अपनी फिक्र को सही कर दिया जाए, उसके बाद अल्लाह हिम्मत दे तो हर साल 4 महीना लगाओ, नहीं तो अपना जिला लगाओ, महीने में 10 दिन लगाओ, नहीं तो 3 दिन अपने हफ्ते के तायुन के साथ लगाओ, रोजाना 8 घंटे लगाओ या 2.5 घंटा लगाओ, और उसके साथ में अपने आमाल की पाबंदी के साथ अपनी जिंदगी गुजारो, तो अल्लाह ताला आगे की इस्तेदाद सही वक्त लगाने की बरकत से अल्लाह ताला पैदा फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने बड़ा काम हमारे जमाने में चलाया, उस काम का हक ये है कि अपनी जिंदगी में उस काम को अच्छी तरह करते हुए वहां तक मंजिल बनाकर अपनी पहुंचने की कोशिश के साथ इस मेहनत में चले कि मैं उसके लिए सब लोग तैयार है। उसके लिए पहली सीढ़ी अच्छा 4 महीना लगाना। पहली सीढ़ी क्या है? अच्छा 4 महीना लगाना। अच्छा 4 महीना क्या है? वक्त भी पूरा हो, अमाल भी पूरे हो, ये अच्छा 4 महीना है। क्या हो? वक्त भी पूरा हो और अमाल पूरे हो, तो अल्लाह ताला आदमी को बना देगा। सिर्फ फिरने से आदमी नहीं बनेगा, अमाल की मशगूली से और अपना वक्त पूरा करने से अल्लाह इसको बना देगा। तो इसके लिए अच्छा 4 महीना लगाने के लिए आप लोग तैयार है? कौन कौन तैयार है? खड़े होकर कहो कि मैं 4 महीना लगाने के लिए तैयार हूँ। कहो खड़े होकर, अपने आप को पेश करो, इंशाल्लाह मैं 4 महीना लगाऊंगा। कहो खड़े होकर के 4 महीना लगाने के लिए, खड़े हो जाओ, खड़े होकर कहो, बैठे बैठे नहीं, खड़े होकर कहो कि मैं 4 महीना लगाने के लिए तैयार हूँ।
अच्छा चार महीना लगाना है, अच्छा चार महीना लगाना है, अच्छा चार महीना लगाओ। अच्छा चार महीना लगाओ, अल्लाह से दुआ मांगो, अपने बस की कोशिश करो, अल्लाह ताला को दुनिया में चार महीने में कोई काम सीख नहीं सकता। जी जी आलू की तो आपकी बरकत है, इस दान को किया।